हेलो इंटरनेट. ओके, सो ये जो कार्ड आया है ये आया है नागपुर से. सो इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं एंड चेक करेंगे कि कार्ड में प्रॉब्लम क्या है. और आप लोग में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी शिकायत है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ. सो यार, मैं वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है एडिट करने के लिए, और एडिट होगा नहीं तो अपलोड होगा नहीं. और ये जो वीडियो है ये बनाने के लिए कम से कम मुझे 5 से 6 घंटे लगते हैं, और 5 से 6 घंटे को एक 10 से 11 मिनट की वीडियो बनाने के लिए बहुत वक्त लग जाता है. और आप लोग देख सकते हैं जो ये कार्ड है, ये है कलरफुल का 3060 और ये 12GB वेरिएंट है. और आप लोग कार्ड की कंडीशन देख ही सकते हैं, जो कार्ड की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक मेजरमेंट से. पहले हम लोग चेक करेंगे 12 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट एंड जो भी बाकी सारे वोल्टेजेस बनते हैं. वो कार्ड में कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं बेसिक मेजरमेंट से. सो जो हमारी डेटा लाइन है वो भी प्रॉपर है. सो हम लोग कार्ड को कनेक्ट कर लेते हैं राइजर में एंड उसके बाद चेक करेंगे हम लोग इसमें हमारे कौन से वोल्टेजेस बन रहे हैं और कौन से मिसिंग है. सो जैसा आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो कार्ड का कंजम्पशन है वो काफ़ी लो है, यानी कि इस कंडीशन में जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो 5 वोल्ट या फिर 1.8 वोल्ट के लेके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके वजह से आती है. सो आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे मैं अभी चेक कर रहा हूँ, ये है 5 वोल्ट का रेगुलेटर. और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें 5 वोल्ट के लिए कौन सी आईसी लगी हुई है. मेजर करेंगे हम लोग इसके जो इनपुट सप्लाईज होती हैं एंड इनेबल जो रहता है वो. सो इनेबल जो है वो ओके है एंड विन की जो सप्लाई है वो भी ओके है. मैं आपको इसकी डेटा शीट दिखाता हूँ. ये लगी है वो आईसी और ये रही उसकी डेटा शीट. आप लोग देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे चेक भी कर सकते हैं. और मेरे ख़्याल से जो आईसी है वो खुद ख़राब है. सो हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे एंड उसके बाद चेक करेंगे हमारा जो 5 वोल्ट है वो जनरेट होता है या नहीं. रेगुलेटर रिप्लेस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो 5 वोल्ट है वो जनरेट हो रहा है. और अब जो प्रॉब्लम है वो है जिसका 1.8 वोल्ट मिसिंग हो गया है मदरबोर्ड का. ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इस आईसी के वजह से, या फिर ये ख़राब हो या इसका जो इनेबल लॉजिक है वो ख़राब हो जाता है. ख़राब यानी कि शॉर्ट हो जाता है, और कुछ केस में जैसे ब्रोकन ट्रेसेस या फिर जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. सो हमारे केस में ये जो है ये शॉर्ट हो गया है. आप लोग डीएसओ में देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई बन रही है लेकिन ये ग्राउंड हो जा रहा है. स्कीमेटिक नहीं होने की वजह से जो हमारा ट्रेसिंग का टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और कुछ कार्ड में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है. बट इसमें भी काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको फाइंड करने के लिए. आप लोग देख सकते हैं हमारा जो एंड गेट है वो शॉर्ट दिखा रहा है. सो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा कौन सा जो कंपोनेंट है वो हीट हो रहा है. हम लोग उसे रिमूव करेंगे एंड रिप्लेस करेंगे जो भी है, एंड उसके बाद हम लोग चेक करेंगे हमारा जो कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से ऑन होता है या नहीं. काफ़ी टाइम बोर्ड पे मेहनत करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि जो हमारा लॉजिक गेट है ये खुद ही ख़राब हो चुका है. सो हम लोग इसे रिमूव करेंगे एंड आप लोग देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो है वो अब नॉर्मल हो चुका है.
सो हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे एंड उसके बाद चेक करेंगे हमारा जो जीपीयू है ये ऑन होता है या नहीं। जो पिंस के रेजिस्टेंस हैं वो अब एकदम नॉर्मल हो चुके हैं और इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है। सो जितने वोल्टेजेस बनने चाहिए वो सारे के सारे जनरेट हो रहे हैं एंड चेक करते हैं इसके PWMs वो जनरेट हो रहे हैं या नहीं। सो नो क्वेश्चंस, ये भी जनरेट हो रहा है और चेक करते हैं बैक साइड में भी वो भी जनरेट हो रहा है या नहीं। नो डाउट ये भी हमारा PWM जनरेट हो रहा है। सो कार्ड को असेंबल करेंगे एंड उसके बाद चेक करेंगे हमारा डिस्प्ले। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद जो हमारा कार्ड है वो अभी भी इमेज नहीं दे रहा है। सो इसे क्लीन करेंगे कुछ स्पेशल टूल से। बट स्पेशल टूल से क्लीन करने के बाद भी हमारा जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सेम है। सो मैं जो अभी बूट कर रहा हूँ ये बूट कर रहा हूँ मेरे मदरबोर्ड के इंटरनल डिस्प्ले से और इसे चेक करेंगे विंडोज़ में हमारा कार्ड जो है वो विंडोज़ में डिटेक्ट हो रहा है या नहीं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा जो कार्ड है वो इसमें भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। बस कुछ घंटे वेस्ट करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि इसमें जब तक इसका बायस का स्विच नहीं लगाया जाता है तब तक ये डिस्प्ले नहीं देता है। और आप लोग देख सकते हैं स्विच लगाने के बाद जो डिस्प्ले है वो आ चुका है कार्ड से। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो स्विच दिखता कैसा है और उसका क्या काम होता है। यही है हमारा बायस का स्विच। फर्स्ट एंड सेकंड पिन जो है वो ग्राफिक कार्ड को आग लगा देगी एंड सेकंड और थर्ड पिन जो है वो नॉर्मल रखेगी। सो चॉइस इज़ योर्स। इसे क्लीन कर लेते हैं एंड रन करेंगे बेंचमार्क। ऑन करते हैं एंड उसके बाद देखेंगे हमारा जो कार्ड है वो इमेज प्रोड्यूस करता है या नहीं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कार्ड है वो ऑन हो चुका है एंड हम लोग सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करेंगे इसके ड्राइवर्स, देन उसके बाद हम लोग रन करेंगे कुछ बेंचमार्क्स, उसके बाद करेंगे थोड़ी सी बातें, फिर उसके बाद वीडियो ख़त्म। आप अपने घर, मैं मेरे घर। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कार्ड है वो ड्राइवर्स एकदम अच्छी तरीके से ले लिया है। सो रन करते हैं कुछ बेंचमार्क्स एंड मिलते हैं बेंचमार्क्स के बाद।
ओके, जो हमारा कार्ड है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। एंड अगर कोई आप लोगों को क्वेरी है तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।